ये इतना अच्छा काल चल रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग जानबूझकर शिविर में रोक डालने का प्रयास कर रहे हैं, या हमारे ही कुछ युवा लोग ऐसे होते हैं जिनको धर्म की शर्म आती है, धोती दुपट्टा पहनने की शर्म आती है, या फिर कुर्ता पैजामा या धर्म करने की शर्म आती है, तो उन सभी युवाओं के लिए, जैसे अभी जालना पाठशाला के बच्चे हैं, तो उन सभी युवाओं के लिए ऐसा क्या मतलब करना चाहिए कि हमारे धर्म की शर्म ना आए? जिनको धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है, उनको एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि वो कपड़े पहनने लायक ही नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? धर्म के भेष के लिए तो गर्व से पहनना चाहिए, शगुन का मान के पहनना चाहिए, शुभ पहनना चाहिए। 24 घंटे में प्रातःकाल जो भगवान के अभिषेक के पूजन के कपड़े पहन लेता है, उसका दिन भर का शगुन तो वैसे ही हो गया, शुभ हो गया, शगुन माना गया। पूजा तो पाठ ठीक है, क्योंकि मंदिर का अभिषेक धोती दुपट्टा प्रातःकाल तन पर पहनना अपने आप पर शगुन करना है, मंगलाचरण करना है, उस दिन को शुभ करना है, इसलिए शर्म तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है, जो विघ्न डालते हैं ये तो सदा से चलता आया है, क्योंकि उनके कर्म का उदय ऐसा है, वो स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को करने नहीं देते हैं। विघ्न डालने वालों के लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण है अंजना का। अंजना ने 22 मिनट के लिए धर्म कार्य में विघ्न डाला था, उसको 22 वर्ष भोगना पड़ा। जो ऐसे ज्ञान के शिविरों में विघ्न डालते हैं, उनको ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है कि कल के दिन वे जन्मेंगे तो सही मनुष्य में, लेकिन मंद बुद्धि जन्मेंगे। कई लोग अपन ने देखे पागल होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, दिमागी काम नहीं करता। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ज्ञान में अंतराय डाला होगा, विघ्न डाला होगा, कसाय भाव से डाला होगा। आज उन पर अपन को तरस आता है, देखो बेचारे मंद बुद्धि हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, पागल हैं, विक्षिप्त हैं, दया आती है। लेकिन जब इनका अतीत उठा के देखो शास्त्रों में, तो ये महान दुष्ट लोग होते हैं जो ज्ञान के कार्य में विघ्न डालते हैं। सबसे बड़ी बात, स्वयं को करना हो तो करो, नहीं करें तो दूसरा करता है, तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। और सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, जो योग्यता तुम्हारे पास धर्म की मिली है, उस योग्यता को छुपाओ मत, शर्म मत करो, उसके लिए जितना उजागर करोगे उतना ही वह धर्म तुम्हारे लिए फलेगा, फूलेगा।